तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये मिक्सचर इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच। अभी आप पूछोगे ये क्या है, ये ब्लीसेंट का एक स्क्रब है जो मैंने परचेज़ किया था, लेकिन आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया था लेकिन मैंने उसके साथ का ही घर पे बनाया है। इसके अंदर बादाम है, ओट्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दूंगी, अदरवाइज नहीं लूँगी। तो ये मैंने घर पे बनाया है, आप इसे घर पे बना सकते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच लिया है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ डाल रही हूँ मैं, ये है एवरी यूथ का ऑरेंज पील ऑफ मास्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे हैं, बहुत ज़्यादा कील मुहासे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं नियर अबाउट 1 चम्मच मैं इसके अंदर इसे डाल रही हूँ। 1 चम्मच आप इसके अंदर इसे डाल दीजिए, इससे आपके चेहरे के कील मुहासे बड़े आराम से निकल जाएंगे, ओपन पोर्स बड़ी आराम से क्लीन होंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ ये घर पे बनाया हुआ मेरा रोज़ वाटर, और ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी। मैंने इसे स्प्रे बॉटल के अंदर डाला था और मैं इसे अच्छी तरह से कुछ पंप की मदद से स्प्रे करूँगी। आप देख लीजिएगा, अब आपने इसे मिक्स करना है। और अगर मैं रोज़ वाटर आप पूछोगे कितना डाला है, तो मैं बता दूं आपको 1 चम्मच नियर अबाउट मैंने रोज़ वाटर का इसके अंदर मिक्स किया है। आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की बनेगी। और आपने इसे जब यूज़ करना है तभी अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, ताकि आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और ये आपकी स्किन से जो डस्ट डर्ट है उसे खींचकर बाहर निकाल ले। अगर आपकी स्किन लूज है, चेहरे पे रिंकल्स फाइन लाइंस हैं और चेहरा काफ़ी ढीला है और चेहरे पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, स्किन ग्लो नहीं करती है, शाइन ख़त्म हो गया है, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा स्किन को निखारने के लिए, स्किन पे शाइन लेकर आने के लिए, स्किन को 1 से 2 लेयर तक लाइटन करने के लिए। बहुत ही अच्छा पिल ऑफ मास्क बन गया है, एक होम मेड पिल ऑफ मास्क बन गया है दोस्तों। इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे और जब ये सूख जाएगा तो हमने पिल ऑफ करके इसे निकाल देना है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी तैयार हो गई है दोस्तों। इसे चेहरे पर अप्लाई करना है सुखाने